लेकिन बिहार का विकास तब तक संभव नहीं है जब तक महिलाओं का सक्रिय योगदान नहीं है। नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव सिटीज और आपके साथ मैं हूं वसीम खान। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस, मौका भी दस्तूर भी। जी हां, बिल्कुल, सम्मान समारोह का आयोजन और बिहार के 23 आईपीएस ऑफिसर महिलाओं के बीच पहुंचे थे और उन्होंने साफ साफ लफ्जों में कहा कि देश और प्रदेश तभी आगे बढ़ेगा जब हम आप तमाम लोग महिलाओं को सम्मान की नज़र से देखेंगे, सम्मान देंगे, तभी देश और प्रदेश आगे बढ़ सकता है। क्या कुछ कह रहे हैं विकास वैभव, जरा आप वो सुनिए। देखिए, बिहार का विकास तब तक संभव नहीं है जब तक महिलाओं का सक्रिय योगदान नहीं है। बिहार के इतिहास से बहुत प्रेरणा मिलती है। बिहार ही वो भूमि है जिसमें प्राचीन मिथिला में कभी गार्गी व चकनवी जैसी विदुषी हुई, जिनमें पूरी सभा में जब भारत के सारे विद्वान एकत्रित थे, उनको भी चुनौती देने की साहस था। उन्होंने उसको न केवल चुनौती दी बल्कि जो बातें कहीं उस समय की विद्वता को दर्शित करती हैं। उसको ग्रहण करते हुए जब चिंतन करेंगे कि आज बिहार की दशा ऐसी क्यों है, तो निश्चित ही समाधान मिलेंगे और हम आगे बढ़ेंगे। ऊर्जा जहां हमारी जातिवाद, संप्रदायवाद आदि चीज़ों संघर्षों में लगती है, यदि हम शिक्षा, समता और उद्यमिता में लगाएं, तो निश्चित हम आगे बढ़ेंगे। आज प्रयास किया गया है सभी ऐसी महिलाओं को सम्मानित करने का जो सामाजिक क्षेत्रों में अच्छा योगदान दे रही हैं। सभी जो यंग थॉट लीडर्स हैं, यंग आर्ट एम्बेसडर्स हैं, यंग लिटरेरी एम्बेसडर्स हैं, क्योंकि आने वाले समय में बिहार तभी आगे बढ़ेगा जब इस प्रकार की महिलाएं लीड करेंगी, लोगों को प्रेरित करेंगी और बताएंगी कि हम बिहार प्राचीन काल में ज्ञान की भूमि थी, शौर्य की भूमि थी, उद्यमिता की भूमि थी, तो कारण यह था कि हम चिंतन करते थे, उत्कृष्ट करते थे, आपस में सहयोग करते थे, लोगों को जोड़ना जानते थे। यदि आज हम छोटे छोटे वादों में ग्रसित होंगे तो बिहार कभी नहीं बदलेगा, कभी नहीं बढ़ेगा। लेकिन मन में संकल्प और स्पष्ट है, सब चाहते हैं बढ़े, तो बढ़ने के लिए मिलना होगा, सहयोग करना होगा, जाति संप्रदाय के बंधनों से मुक्त होकर बिहार के लिए चिंतन करना होगा। और जिस भूमि में कभी गार्गी व चकनवी जैसी विदुषी रही हूँ, वहाँ की महिलाओं ने यदि ठान लिया तो बिहार के विकास को कोई रोक नहीं सकता। लेट्स इंस्पायर बिहार के माध्यम से सर, क्या संदेश है उन फीमेल मेंबर लोगों के लिए जो लगातार बिहार में रहकर मेहनत कर रहे हैं? महिलाओं का सक्रिय योगदान होना चाहिए और उनके चिंतन से बिहार आगे बढ़ना चाहिए। इसलिए हर क्षेत्र में जो अच्छा कर रही हैं उनको प्रोत्साहित भी हम लोग करना चाहते हैं और चाहते हैं कि आगे बढ़कर समाज का नेतृत्व इस रूप में करें, जिससे हम जैसा हमारा अतीत रहा है अत्यंत गौरवशाली, उससे अधिक गौरवशाली हमारा भविष्य। तो आपने सुना आईपीएस ऑफिसर विकास वैभव को, जो साफ तौर पर कहते नजर आ रहे हैं कि महिलाओं को सम्मान देना चाहिए और महिलाओं को हम सम्मान देंगे तभी देश और प्रदेश आगे बढ़ेगा। जी हाँ, बिल्कुल, हम सिर्फ कह देंगे कि नारी सशक्त हो चुकी है तो वैसे में कुछ नहीं होगा जब तक हम आप सब कोई मिलकर नारी को सम्मान नहीं देंगे, तब तक परिवर्तन नहीं हो सकेगा, तब तक विकास नहीं हो सकेगा, तब तक विकासशील प्रदेश नहीं बन सकेगा। हम और आप सबको एकजुट होकर मिलकर नारी को सम्मान देना चाहिए, सम्मान की नज़र से देखना चाहिए। खैर, लाइव सिटीज़ के साथ बने रहें। अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत सब्सक्राइब कर लें। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।